हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट सीपी में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए मंदिर को लेकर जो आस्था से भरा हुआ है और इसके प्रति श्रद्धालुओं का बहुत विश्वास है। इसके बारे में कहा जाता है इस मंदिर में भगवान शिव रुके थे। इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा कि इसकी कहानी क्या थी और क्यों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगती है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे थे, इस मंदिर का नाम है दुखहरणनाथ मंदिर। दुखहरणनाथ मंदिर से प्रसिद्ध यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जनपद में स्थित है। इस मंदिर का अतीत त्रेता युग से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में भगवान पुरुषोत्तम राम के जन्म पर भगवान भोलेनाथ दर्शन करने गए हुए थे। अयोध्या से वापस होते समय वह बहुत प्रसन्न थे। ऐसे में भगवान शिव जिस स्थान पर रुके थे उसी स्थान को वर्तमान समय में दुखहरणनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ पर पूजन करने से भोलेनाथ सबके दुखों का हरण करते हैं। कजली तीज के मौके पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह मंदिर रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित है और मुख्य मार्ग पर होने के कारण मंदिर तक पहुँचने के लिए पर्याप्त आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। मंदिर के महंत रुद्र नारायण गिरी का कहना है कि इस मंदिर का अतीत भगवान शिव के अयोध्या आगमन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित किया गया है। यहाँ पर भोर से ही रुद्राभिषेक शुरू हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर हर सोमवार और हर शनिवार को भक्तों की भीड़ लगती है, लेकिन सावन माह में यहाँ पर भोर से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु रुद्राभिषेक भी कराते हैं। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। इस मंदिर के विषय में बताया जाता है कि इसका निर्माण कार्य गोंडा नरेश ने कराया था और यह मंदिर पत्थरों से निर्मित किया गया है। मंदिर में पौराणिक संबंध के बारे में अगर बात करें तो पहले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जंगल हुआ करता था, क्योंकि त्रेता युग में भगवान शिव जब अयोध्या से रामचंद्र भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे तो इसी जंगल में वो कुटिया बनाकर रह रहे थे, और जहाँ उन्होंने कुटिया बनाई थी उसी स्थान को आज दुखहरणनाथ के नाम से जानते हैं। यह मंदिर स्टेशन से काफ़ी पास भी है और यातायात की बहुत सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। ट्रेन, बस, ऑटो, हर एक चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। आप आसानी से इस मंदिर में आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये था दुखहरणनाथ मंदिर के बारे में छोटा सा परिचय। ऐसे ही मंदिर के बारे में और फैक्ट के बारे में वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।